What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 3rd December 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8 बज रहे हैं। कल हफ्ते की शुरुआत काफी प्रेशर के साथ हुई। ऊपरी स्तर पे तो निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया। जीडीपी का जो आंकड़े आए उससे थोड़े परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन नवंबर मंथ में जबरदस्त हुआ है। फॉरेन रिजर्व का भी जो फंड है वो भी काफी अच्छा बढ़ा है। तो अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, इस थर्सडे आरबीआई क्या रेट में बदलाव करेगी या नहीं उसके बारे में जानकारी आएगी, तो ये भी काफी अहम है। उसके बाद आगे की मार्केट ट्रेंड कैसा रहेगा वो हमें पता चलेगा। तो अभी फिलहाल आज क्या निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। कल ये कल का पिक्चर है, यानी 2nd December आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,075 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,030। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। शुरू में तो कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर ये जो निफ्टी ओपन हुआ वो हमारे सेकंड टारगेट के ऊपर ही ओपन हुआ और टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव हुआ। तो जैसे ही इसने फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया और एक बाउंस बैक दिखाया, उसके बाद फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ और एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास ही इसने रेजिस्टेंस फेस करके टूवर्ड्स साउथ की तरफ इसने मूव दिखाया। तो यहाँ पर कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेंगे, उससे पहले जो नए सब्सक्राइबर्स है उनके लिए मैं बता दूं कि ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है ये डिस्काउंट ब्रोकरेज फॉर्म्स का, जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और फाइव पैसा। अगर आप तीनों में से कोई एक अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में मिल सकती है। तो इसके लिए आपको जस्ट इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है। तो जैसे ही अकाउंट ओपन होता है तो आपका क्लाइंट आईडी हमें कॉल करके, हमारा ये जो नंबर है यहाँ पर कॉल करके हमें आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये था ट्रेडिंग फैब के एक ऑफर के बारे में छोटा सा इंट्रो। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स, नासडैक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी लाल निशान में बंद हुए थे और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो वहां पर भी अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। जापानीज इंडेक्स 213 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और हांगकांग मार्केट भी 117 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर बात करें तो अभी 28 पॉइंट की थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी हल्के से गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो थोड़े निगेटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को ड्रॉ किया था क्योंकि आने वाले लेवल्स को हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सके। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, कप एंड हैंडल पैटर्न, वो ड्रॉ करके भी दिखाया था। तो इसके बाद नेक लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद ये जबरदस्त ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो कल इसने हमारा जो 100% का लेवल था इसी के पास ओपन हुआ और यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो एज पर वीकली चार्ट 12,114 ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे यहाँ पर लास्ट 3 वीक्स देख रहे हैं दोजी कैंडलस्टिक बनाया हुआ है और 11,870 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो ऊपर 12,114 ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा और नीचे सपोर्ट का 11,872। अगर ये दोनों में से कोई एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल का अगर आप कैंडल देखें तो यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ, यानी ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई और प्रीवियस कैंडल का लो है इसी के बीच में ये ट्रेड हुआ है, यानी यहाँ पर इनडिसिजिव पैटर्न था, ना बुल्स जीत पा रहे थे ना बियर्स जीत पा रहे थे। तो यहाँ पर
अभी ये जो हाई और लो है प्रीवियस बियरिश कैंडलस्टिक का, वो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का काम कर सकता है। बियरिश कैंडलस्टिक जरूर बनाए, लेकिन प्रीवियस डे का लो इसने नहीं ब्रेक किया था। यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुका है, हमने लास्ट वीडियो में भी इसे डिस्कस किया था, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे। तो अभी ये लो और हाई हमें नेक्स्ट ट्रेंड का यहाँ पर, शॉर्ट टर्म ट्रेंड का यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल सकता है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में सेंटिमेंट्स थोड़े से निगेटिव है, हो सकता है एक अगर फॉल आया तो 20 EMA फर्स्ट सपोर्ट होगा एज पर डेली चार्ट, जो कि अराउंड अभी 11,948 पकड़ लेते हैं, इसके पास अभी ये 20 EMA है डेली चार्ट में, तो ये फर्स्ट सपोर्ट होगा और ऊपर में 12,114 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये है डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हमेशा हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर अभी आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यह निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन सकता है, जो कि बुलिश पैटर्न है। ये फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड, राउंडिंग बॉटम्स, अभी ये ऊपर नहीं आए हैं। अगर यहाँ से ऊपर आता है, ये यहाँ से ऊपर आता है तो ही ये पैटर्न कंप्लीट होगा, और फिर इसके नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से फिर से हमें अपसाइड रैली कंटिन्यू होते हुए निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, आप कल देख सकते हैं लास्ट का ये जो 2 घंटा बचा था इसमें एक रेंज क्रिएट हुआ, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो प्रीवियस सेशन में भी यहाँ पर इसने सेम उसी लेवल पे सपोर्ट टेस्ट किया था। तो अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3। तो 12,030 कल का जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था वही आज का भी हमारा सेम ब्रेकडाउन लेवल होगा 12,030। इसके नीचे अगर ये चला जाता है, सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे, यानी 10 या 15 मिनट के चार्ट में क्लोज देता है, फिर हम इसमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,017, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 12,002, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ ये मूव करता है तो पहला तो यहाँ पर 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, उसके बाद पीवट पॉइंट का ये 12,069 का लेवल है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये सब लेवल अगर क्लियरली ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, यानी 12,069 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,086, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 12,105, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसके पहले हो सकता है मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज दिखाए, ओपन होने के बाद एक साइडवेज रेंज में ट्रेड करे, तो यहाँ पर कॉशियस रहना होगा, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग भी ना करे। तो ये था आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you very much and happy trading.